गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड बाय एमजीएन पब्लिक स्कूल कलायत। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले वन एसएस का क्लास फिफ्थ में लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड देन हमने उसके बाद किया है सेवन्थ लेसन। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका 8th लेसन, जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यूनिट 3 है ये, अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। अब उससे संबंधित क्या है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता है प्रदूषण और एनवायरमेंटल होता है पर्यावरण। तो देखिए, जनरली आपको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण जो हमारे आसपास, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, वो क्या है, हमारा पर्यावरण। ये प्रदूषण किसी भी तरह का हो सकता है, ये जनरल बात मैं आपको बता रही हूँ। ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सभी क्या है, टाइप्स है किसके, पॉल्यूशन के। तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बीइंग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो इंसान है यानी ह्यूमन बीइंग, हम लोग हैं, वो क्या है, वातावरण का एक आंतरिक पार्ट यानी भाग है, इंटीग्रल आंतरिक। इन विच दे लीव, जिसमें वो क्या है, रहते हैं। दे डिपेंड मेनली ऑन, वो किस पे डिपेंड है, द एनवायरमेंट, वातावरण पे डिपेंड है। यूज इट्स नेचुरल रिसोर्सिस, इसके नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधनों पर। एंड को एग्जिस्ट एंड अदर लिविंग फॉर्म्स, या जिसमें वो रह रहे हैं, को एग्जिस्ट विद अदर लिविंग फॉर्म्स, या फिर जो उनके पर्यावरण में पहले से ही को एग्जिस्ट यानी मौजूद चीज़ें हैं। अदर लिविंग फॉर्म, जो जीवित फॉर्म में है, अवस्था में है। हाउ एवर द मैनर इन विच मैन यूज हिज एनवायरमेंट, इसके अलावा जिस तरीके से, यानी इन विच मैनर, जिस तरीके से मैन, आदमी यूज करता है हिज एनवायरमेंट, उसके वातावरण को, हैज चेंज इट ड्रास्टिकली, वो इसे क्या कर रहा है, बहुत बुरी तरह से बदल रहा है, भयंकर रूप में बदल रहा है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग कंफर्ट नीड्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बूमिंग पॉपुलेशन। और ये किस किस कारण से हो रहा है, देखिए, इंक्रीजिंग कंफर्ट, यानी कंफर्ट क्या होता है, जिसमें हम आसानी फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं। कंफर्टेबल क्या होता है, आरामदायक। तो कंफर्ट से भी क्या हमारा तात्पर्य है, आराम से है। नीड्स, हमारी जरूरतें। मॉडर्न लाइफस्टाइल यानी हमारा आधुनिक जीवन का स्तर, आज के जीवन के स्तर में और पहले के जीवन स्तर में बहुत फर्क है। लोग अगर पहले चूल्हे पर रोटी बनाकर खाते थे, तो अब क्या है, सभी के घर में क्या है, गैस मौजूद है। लोग पहले पैदल चलना पसंद करते थे, तो आज हर घर में, मैं नहीं मानती कि शायद कोई ऐसा घर होगा, 30% घर होंगे ऐसे जिनमें कोई व्हीकल ना हो, सभी लोग क्या है, व्हीकल से जाना पसंद करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण का बढ़ना, उद्योगों का बढ़ना। एंड बूमिंग पॉपुलेशन, और इसी तरह से जनसंख्या में वृद्धि होना, पॉपुलेशन होता है जनसंख्या। दिस इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द अर्थ दैट हैज इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड्स। जब पृथ्वी पे ये बहुत सारे दुख दर्द बढ़ गए हैं, तो ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है इन दुखों में। दस द ह्यूमन बींग्स आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट। और इसलिए जो इंसान है, वो सबसे बड़ा कारक है किसका, पर्यावरण का। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई है, अवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का वातावरण। देखिए, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग हैं, व्हीकल्स देखिए कितने ज़्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये देखिए, जो आपका गार्बेज है, कूड़ा है, वो आपकी नदियों में फेंका जा रहा है, जहाँ पर आपका वाटर है। तो देखिए, अब आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। पॉल्यूशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्टामिनेट्स इन एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल। जो प्रदूषण है, वो किसकी आधारभूत चीज़ों का मिश्रण है, पानी, धरती और मिट्टी का।
द चीफ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो सबसे बड़ा मुख्य प्रदूषण है वो कौन सा है? एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, एयर हवा का प्रदूषण, वाटर प्रदूषण जल प्रदूषण, सॉयल एंड लैंड पॉल्यूशन जो धरती पे प्रदूषण है, सॉयल एंड मिट्टी का प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, एंड अनदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज लाइट और फोटो पोल्यूशन। देखिए अब इसमें दो और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जो एक और है मुख्य कारण प्रदूषण का, वो क्या है? लाइट और फोटो प्रदूषण। देखिए इट इज एक्सेस ऑफ ऑब्ट्रूसिव लाइट क्रिएटेड मेनली बाय ह्यूमंस। जब इंसान के द्वारा बहुत ज़्यादा लाइटों का यूज़ किया जाता है, उससे भी क्या होता है? हमारा प्रदूषण बढ़ता है। इट आल्सो डिस्टर्ब्स एंड इकोसिस्टम इज इट्स आल सॉरी इट आल्सो डिस्टर्ब्स अवर इकोसिस्टम दैट कैन कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है? हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होती है? हमारे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य संबंधी क्या होती हैं? दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये आज हमने लेक्चर नंबर 1 किया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये आपका, और यहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन, हमने ये क्लियर किया है। तो इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।